नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल लोनोने और आप देख रहे हैं अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं यहां पर अभी के से काइट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यह आपको यहां बता दूंगा। तो देखिए, पहले मैं यहां पर के ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम हल्की हल्की पेंसिल पकड़ के एकदम लाइटली आपको ड्रॉ करना है। देखिए मैंने कैसा के यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो अभी जो के होता है तो उसके दोनों कॉर्नर्स मिल गए, तो वहाँ से हम अपोजिट एक स्क्वायर जैसा बने या डायमंड शेप बने, ऐसा एक शेप हम बना रहे हैं और नीचे एक ट्रायंगल उसको जोड़ देंगे। जैसे पतंग का शेप होता है, काइट का शेप होता है, वैसा हम बना रहे हैं। उसके बीच में एक लाइन ले ली है और उसके बीच में एक जो काड़ी होती है पतंग को उड़ाने में मदद करती है, वो भी हमने आर्क से जोड़ी है। और जो के की साइड की लाइन है अभी उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसको इरेज कर दिया है मैंने। देखिए, इरेज करने के बाद आपको डस्ट अच्छे से साफ करना है, डस्ट को वैसे मत रखिए। और अभी स्केच पेन से आउटलाइन, जब तक मेरी आउटलाइन पूरी हो जाए तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको सीखने को मिलेगा कि अल्फाबेट से आप ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। और सच में ड्राइंग इतना इजी है, ये आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट फ्रेंड्स और मम्मी पापा के साथ शेयर। तो देखिए, आउटलाइन अभी हो गई है, अभी इसको इरेज करना है। पेंसिल को इरेज करने के बाद डस्ट को साफ करना है। देखिए, तो अभी डस्ट को साफ करने के बाद ड्राइंग नीट और क्लीन दिख रहा है। देखिए, और अभी इसमें मैं कलर करूँगा, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वैसे, उस प्राइमरी कलर में से मैंने लिया है येल्लो कलर। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एक साथ तीन चीज़ें सीखने को मिलती है। तो तीन चीज़ें कौन सी है, मतलब आपको अल्फ़ाबेट सीखने को मिलेंगे, आपको ड्राइंग सीखने को मिलेगा और आपको कलरिंग भी सीखने को मिलेगी। अभी लिया है मैंने यहाँ पर रेड कलर, और रेड कलर को मैं यहाँ येल्लो के ऊपर फिल कर रहा हूँ। देखिए, डायरेक्शन हमेशा एक ही रखना है और कलर फिल करते वक्त जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से कलर फिल करें तो आपका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हर जगह कलर करते वक्त पहले जो भी शेप्स होते हैं उसके इनसाइड आउटलाइन कीजिए, ताकि आपका जो कलर है उस शेप के बाहर न जाए। इसके लिए उस शेप के इनसाइड आपको आउटलाइन करना होता है, बाद में फिर आप एक जैसा सेम डायरेक्शन रख के अपनी कलरिंग पूरी कर लें, अपना कलर वहाँ पर पूरा फिल कर लें। देखिए कितनी अच्छी काइट बन रही है। तो दोस्तों, के फॉर काइट आपको पता चल गया है, इससे आपको वर्ड ध्यान में रखने में, ड्राइंग इम्प्रूव करने में बहुत मदद होगी। देखिए, तो अभी तक भी जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपकी एक मदद से उनका ड्राइंग बहुत इम्प्रूव हो सकता है। और जो भी आपके घर में नन्ने मुन्ने आपके भाई बहन या दोस्त है तो उनको आप ये वीडियो दिखाइए, तो वो वर्ड भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उस वर्ड के साथ जुड़ा है उसका पिक्चर। थैंक यू दोस्तों।